पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। श्रीमान लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे ये सब का आएगा भ्रष्टतम व्यक्ति में उनकी गिनती है। वही व्यक्ति है जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव केंद्र में पहले रेल मंत्री हुआ करते थे और आज उन्हें डर सता रहा है कि कहीं एनडीए सरकार रेलवे को बेच न डाले। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज एक ट्वीट सामने आया था जिसके बाद सियासी बवाल मच गया, बयानों का सिलसिला शुरू हो गया। लालू यादव ने एनडीए सरकार पर रेलवे में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया, साथ ही साथ तंज कसते हुए कहा कि अब कहीं ये लोग रेलवे की पटरियां ना बेच डालें, जिसके बाद भाजपा लालू यादव पर जमकर निशाना साधते नजर आ रही है। बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव को इस मुद्दे पर जमकर सुनाया है, जहां विजय सिन्हा ने उन्हें देश की राजनीति का सबसे भ्रष्ट नेता बताया है, तो वहीं सम्राट चौधरी ने सवाल किए हैं कि क्या रेलवे को बेचने के वजह से ही लालू यादव पर केस नहीं दर्ज हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर कैसे दोनों डिप्टी सीएम लालू यादव को लपेटे में लेते हुए नजर आए, उनका ये बयान सुने। एक बयान भी जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि रेलवे तो बेच दिया गया, अब पटरी भी बेच दिया जाएगा और इसके बावजूद भी रेलवे घाटा में चल रहा है। अरे यार क्यों? श्रीमान लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे ये सब का आएगा भ्रष्टतम व्यक्ति में उनकी गिनती है। वही व्यक्ति है जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए और आज रेल के अंदर जो नए तकनीक और विकास हुआ, रेल दुर्घटना जितना होता था उस समय पुराने जर्जर पटरी पर पूरे देश के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी, आज रेल के अंदर यात्रा सुरक्षित हो गया और कुछ आताताई आतंकवादी उग्रवादियों की मानसिकता से एक्सीडेंट का जो कुचक और गलत प्रभाव के कारण वो प्रभावित होके खेलना चाहते हैं, आज उस पर भी लगाम लगाने के नए तकनीक से भारत सरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद उग्रवाद पर अंकुश लगा है और लोगों की जिंदगी सुरक्षित है, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है। एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं खौफ है। देखिए, जनता मालिक है, जनता के जनादेश जो आता है जाके उससे पूछिए, जो बूथ के ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं, अब ईवीएम पर प्रश्न बंद हो गया लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता की विश्वास है और वो रिजल्ट में परिणित होगा। 370 धारा हटाने का झूठा वादा, जनता को लोभ लुभावना वादा, उन्माद पैदा करके वोट की राजनीति करने वाले लोगों को तत्कालीन कुछ लाभ मिलेगा, अस्थाई नहीं। बंगाल में डॉक्टर आज आपसे हड़ताल पे चले गए, अनशन पे हैं और एक बच्ची के साथ भी दुष्कर्म हुआ है। देखिए, ममता सरकार पूरी तरह से फेल है, अराजकता के शिकार है और ममता सरकार भारत के संविधान के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं, जनता के विश्वास पर कहीं से खड़ा नहीं उतर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं। शुरू किया है लालू जी, किस मामले में सुनवाई चल रही है कोर्ट? लालू जी ने ही बेचा था ना, लालू जी ने रेल
रांची का संपत्ति बेचा, पटना का संपत्ति बेचा, देश में पहली बार यदि रेल को बेचने का काम रेल मंत्री ने शुरू किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद। रेलवे को लेकर एनडीए सरकार पर कई आरोप लगाते नजर आ रहे थे लालू यादव। अपने ट्वीट में हमने आपको वो खबर पहले भी दिखाई थी जहां उन्होंने एनडीए पर रेलवे पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ये सियासी बवाल शुरू हुआ है, बयानबाजियां आना शुरू हो गई हैं। विजय सिन्हा को आपने सुना, कहने लगे कि वो इस देश के सबसे भ्रष्ट नेता है। तो वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने रेलवे को बेचने का काम किया था, जिसके वजह से वो जेल गए, जिसके वजह से उनके पूरे परिवार पर मुकदमा चला। तो वहीं दूसरी ओर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में अब तक उसे इंसाफ नहीं मिल सका है, जिसके बाद जो जूनियर डॉक्टर हैं आमरण अनशन पर जाने वाले हैं। बंगाल में बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद विजय सिन्हा ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है, ममता बनर्जी की सरकार को अराजकता का शिकार बताया, साथ ही साथ कहा कि बंगाल में इस तरीके की घटनाएं लगातार होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं ममता सरकार कोई एक्शन इन मामलों पर नहीं लेती है, इसी का परिणाम है कि इस तरीके की घटनाएं वहां लगातार बढ़ रही हैं और जो ममता सरकार है वो अराजकता का शिकार है। मामले पर कोई एक्शन क्यों अब तक क्यों नहीं लिया गया है, इसको लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। तो वहीं लालू यादव को कैसे दोनों डिप्टी सीएम जमकर सुना रहे थे ये भी हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।